वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। चीन और भारत के बीच इस वक्त भी गतिरोध जारी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कुछ ही देर पहले कहा है गलवान घाटी हमारा है और इसको लेकर बातचीत के जरिए हम पूरा समझौता करेंगे, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, चीन के खिलाफ बड़े आर्थिक फैसले ले सकती है सरकार। चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट पर पुनर्विचार संभव। दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट पर भी दोबारा, क्योंकि जो जानकारी आई थी इस प्रोजेक्ट का टेंडर एक चीनी कंपनी को मिला था, उस करार को रद्द किया जा सकता है। सरकार जो है वो फिलहाल कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ये एक ऐसी खबर है जो हर हिंदुस्तानी जिसने चीन की इस हिमाकत, इस धोखेबाजी को देखा है, वो सुनना चाह रहा था। दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट जो एक चीनी कंपनी को चली गई थी, सरकार उस पर पुनर्विचार कर रही है। देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से पुनर्विचार किया जा रहा है और ना सिर्फ दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट पे, बल्कि अलग अलग जो चाइनीज कंपनियों के द्वारा भारत के अंदर काम किए जा रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट को किया जा रहा है उन पर भी विचार किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने कल हरकत की है, उसके बाद भारत अलग तरीके की कूटनीति बनाना चाहता है और वो चाहता है कि सिर्फ कूटनीति ही नहीं बल्कि चाइनीज कंपनियों का भी बहिष्कार अगर किया जाएगा, उनके प्रोजेक्टों को रद्द किया जाएगा तो चाइना के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है अंजना। और एक तरफ से सैनिक कार्रवाई और दूसरी तरफ से आर्थिक कार्रवाई करके भारत चाइना पर दबाव बनाना चाहता है और इसी के तहत जो है वो चाहता है कि चाइना के साथ जब भी बातचीत हो तो वो एक बराबर के लेवल पर हो, चाइना कभी ये शो ना करे कि वो बहुत पावरफुल है। और इसीलिए इस तरीके से आर्थिक कदम भी जो है भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं चाइनीज कंपनियों के खिलाफ। ये एक बहुत बड़ा कदम कहलाएगा क्योंकि ये खुलकर चीन को आमने सामने बताने के बराबर होगा कि जिस तरह से वो अपने आप को एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति समझता है, भारत उस पर सबसे करारी चोट करने जा रहा है। आपको बता दें, सरकार कानूनी पहलुओं पर फिलहाल जांच कर रही है और अब मंशा यही है कि चीनी कंपनियों को जो अभी तक हिंदुस्तान में बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते थे उन सब पर रोक लगे। और सबसे बड़ी पहल इसमें यही होगी, जो इतने बड़े प्रोजेक्ट पर फिर से पुनर्विचार संभव है और उस पर दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट जो एक चीनी कंपनी को टेंडर मिला था, उस करार को रद्द होने पर कानूनी जो पेचीदगियां हैं, पहलू हैं, उनकी जांच हो रही है। एक बहुत बड़ा कदम होगा हिमांशु ये, और शायद वक्त की जरूरत भी, काफी दिनों से इस पर चर्चा हो रही थी, ठोस कदम का वक्त सामने दिख रहा है। हिमांशु, देखिए बिल्कुल बहुत बड़ा कदम है क्योंकि भारत एक ही मोर्चे पे लड़ाई लड़ता नहीं दिखना चाहता है चाइना के साथ, वो हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ना चाहता है, वो डिप्लोमेटिक स्तर पे भी लड़ना चाहता है, ग्राउंड पे भी लड़ना चाहता है और आर्थिक क्षेत्र पे भी चाइना को लड़ता हुआ दिखना चाहता है। और इसीलिए यह एक कदम कह सकते हैं कि शुरुआत भारत की तरफ से की जा सकती है कि दिल्ली मेरठ RRTS जो प्रोजेक्ट है, रैपिड प्रोजेक्ट है, उसको अगर कैंसिल किया गया तो चाइना को ये संदेश जरूर जाएगा कि भारत अगर चाइनीज कंपनियों का बहिष्कार करती है तो उसको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। और एक और चीज़ बता दूं कि भारत का अगर ये देखें तो भारत के अंदर जो चाइनीज उत्पाद के लिए जो ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता है, वो बहुत बड़ा बाजार के रूप में चाइना देखता है और अगर ये शुरुआत हुई है होती है तो चाइना को बहुत बड़ा आर्थिक संकट जो है वो भारत की तरफ से लग सकता है। बिल्कुल, हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जैसे ही कोई खबर और आती है फौरन आइएगा, हम अपने दर्शकों को बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर के साथ हमने बुलेटिन की शुरुआत की है। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर फॉर्मर विंग कमांडर अभिषेक वतिमान जी और पूर्व सेना उपाध्यक्ष हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, सरकार की इस कदम का स्वागत करेंगे आप? पुनर्विचार किया जा रहा है, जो इतने बड़े कॉरिडोर का टेंडर एक चीनी कंपनी को दे दिया गया था, उस करार को रद्द करने की तरफ भारत सरकार कदम उठा रही है। दुबे जी, देखिए हमने ये चिंता काफी समय से जाहिर की थी सरकार से, क्योंकि आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि $56 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ हो गया है, वो 3-4 इम्पोर्ट बढ़ा है इन 6 सालों में, हम उसकी चिंता व्यक्त कर रहे थे। हम साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि POK पे चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। अब वंदना जी, सही समय आ गया है कि जब हम ताइवान को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं देते, क्योंकि चाइना एक देश हम मानते थे, तो हमको उस पर भी विचार करना चाहिए। जब वो पाकिस्तान, श्रीलंका,
नेपाल सभी तरीके से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो हमको भी चाहिए कि हम भी थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर में अपने ये पार्लियामेंट्री पैनल ने भी मोदी सरकार को आगाह किया इस बारे में कि आप स्टार्ट कीजिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने साफ तौर पर कहा कि ICBR जो ये बॉर्डर रोड डेवलपमेंट है इसका 40% पैसा मोदी सरकार ने काटा है। ये तो मुरली मनोहर जोशी जी ने खुद ने भी कहा था कि 58 साल में पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान के जो DRDO का पैसा है, सेना के डेवलपमेंट का पैसा है, वो बड़ी संख्या में काटा गया है, जबकि चाइना बहुत ज्यादा अपने सेना के डेवलपमेंट पर पैसा खर्च कर रहा है। ठीक है, तो हमको पुनर्विचार करना ठीक चाहिए। दुबे जी, तो क्या हम माने, ठीक है, तो क्या हम माने कि 2008 का वो MOU जिसका जिक्र समित पात्रा जी कर रहे थे उस पर कांग्रेस पार्टी को अब अफसोस है, जब कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ आपने चाइना के साथ ये समझौता किया था, MOU किया था कि तमाम जो सामरिक, बायलैटरल, रीजनल, इंटरनेशनल जो भी गतिविधियां होंगी उन पर हम आपस में विचार करेंगे, अफसोस है आपको इस पर? एक बार उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं डॉक्टर पात्रा आऊंगी आपके पास। अबे दुबे अंजना जी, अंजना जी, मुझे अफसोस इस बात का बहुत बड़ा है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने बगैर एजेंडे के चाइना से बात करना प्रारंभ कर दिया, चाहे वो वुहान गए हो, चाहे मल्लापुरम में उनसे बात की गई हो। मुझे अफसोस इस बात का है कि देश को ये बताया गया अंजना जी की डोकलाम में दोनों सेनाएं पीछे हट गई है, लेकिन बाद में पार्लियामेंट में चुपचाप स्वीकार दिया कि परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बना लिया है। मैं चाहता हूं पारदर्शी तरीके से बात की जाए। भारतीय जनता पार्टी रोज इतिहास से प्रतिशोध लेती है, कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाना बंद करिए, देश को ऊंचा उठाने की बात कीजिए। संबित पात्रा जी, कब तक एक बयान आज तक आज विश्व के इतिहास में कहीं नहीं हुआ कि इतनी बड़ी शहादत हुई और देश का प्रधानमंत्री गलवान घाटी की ताजा तस्वीरें आ रही है। दुबे जी, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगी डॉक्टर संबित पात्रा से, लेकिन डॉक्टर पात्रा थोड़ा सा रुक जाइए। गलवान घाटी की ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वहां की तस्वीरें हैं जहां पर आपको हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहा है और ये पूरा इलाका इस वक्त आप गलवान घाटी का देख सकते हैं। ये लेह की तस्वीरें हैं दरअसल। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे लिए चलते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जल्दी से जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं अभी कब तक इतिहास से प्रतिशोध लीजिएगा, गलवान घाटी पर जवाब दीजिए, जब चीनी विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि गलवान घाटी उनका है, परिस्थितियां खराब हो रही थी, तो फिर सरकार ने पारदर्शिता से देश को क्यों नहीं बताया? मैं बताता हूँ, पहले तो अभी पहले कांग्रेस का जवाब देता हूँ फिर चाइना का। देखिए, कांग्रेस ने अभी 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 ये हमारे दुबे भाई साहब ने अभी क्या कहा, उन्होंने कहा कि ताइवान को लेकर हमें रणनीति बनानी चाहिए और ताइवान को रिकॉग्नाइजेशन देना चाहिए। अभी कहा ना 11 मई को अधीर रंजन चौधरी जी, वो तो बड़े नेता हैं, इनसे LOP हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया था, बी केयरफुल चाइना, इंडियन फोर्सेस नोज हाउ टू डिफेंग द वेनमस स्नेक्स लाइक यू, एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग द सिनिस्टर डिजाइन ऑफ येलो एक्सपेंशनिस्ट, आई वुड सजेस्ट द गवर्नमेंट टू अकॉर्ड डिप्लोमेटिक रिकॉग्नाइजेशन टू ताइवान विदाउट मच डिले। उसके 4 घंटे बाद कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आनंद शर्मा करते हैं और क्या कहते हैं, द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस रिकॉग्नाइजेस एंड वैल्यूज द स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड वी डू नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट अधीर रंजन चौधरी पर्सनली सेड। यहां पर टीवी में आकर कहते हैं कि आप ताइवान को रिकॉग्नाइजेशन दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अधीर रंजन चौधरी जी से कहते हैं उस ट्वीट को आप डाउन करिए, उस ट्वीट को तुरंत हटाइए और हम इस बात के साथ खड़े नहीं है। ये दोगलापन नहीं है तो क्या है, आप बताइए, आप बताइए, ये दोगलापन नहीं है कि नहीं है, आप बताइए। फिर अभय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, अंजना जी मैं भी इनके बीच में बोलना शुरू कर दूंगा तो अभय जी मैं लूंगी आपसे जवाब, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आपने एक सवाल पूछा उसका जवाब ले लेते ना उनसे। अभय जी ये बताइए क्या अंधेरे में तीर मार रहे हैं? ठीक है, गलवान से पहले आप जवाब दे दीजिए क्योंकि आज बातचीत गलवान वाली पर हो रही है। ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं अभी जी, मैं आऊंगी आपके पास। अंजना जी देखिए, गलवान पे मैं आज सुबह से आज तक, और एक सेकंड अंजना जी ने मुझे गलवान पे मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा गलवान घाटी पर था कि क्या सरकार को पारदर्शिता रखनी चाहिए, उस पर डॉक्टर पात्रा को जवाब देने दीजिए, फिर आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, ओके। देखिए, एक बात आप बिल्कुल विश्वास के साथ मानिए, भारत की सरकार, भारत की आर्मी दोनों ही पूरी तरह से पारदर्शी है
और कोई भी इस सरकार के होते हुए, इस आर्मी के होते हुए, कोई हमारे देश को हड़प नहीं लेगा। जहां तक इंडियन ऑक्यूपेशन, इंडियन स्पेस की ऑक्यूपेशन का विषय है, 1959 में बैठे एक्सपर्ट पूछिए, उसी समय अक्साई चीन को ले लिया था, वो जगह भी ऑक्यूपाइड ही है, वो इंडियन टेरिटरी ही है जिसको ऑक्यूपाई किया हुआ है चाइना ने। देखिए, मैं सुबह से आज तक और इंडिया टुडे देख रहा हूं, एक महत्वपूर्ण विषय जो आप लोगों ने बताया कि जो हेलीकॉप्टर सॉर्टीज बार बार वहां चाइनीज एरिया में दिख रहे हैं, वो अपने डेड बॉडीज को लेने आ रहे हैं, ऐसा मैंने न्यूज में सुना है कि एक भारी अमाउंट में कैजुअल्टी, और अमेरिका के भी बड़े बड़े सोर्सेज ने बताया है, न्यूज दिखा रही है कि वहां बहुत बड़ी तादाद में कैजुअल्टी हुई है। और जैसे पाकिस्तान अपने डेड बॉडीज को कारगिल के समय नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, वो ट्रांसपेरेंसी आज चाइना में भी नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मगर अभी आप हिंदुस्तान की को देखिए, हम लोग एक डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, थोड़ी देर में वो सूची भी जारी होगी जो हमारे शहीदों की है। हम कुछ छुपाते नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते हैं, ना हम विश्वासघात करते हैं और ना हम गलत काम करते हैं, हम कभी प्रोवोक नहीं करते हैं। मगर हमें कोई प्रोवोक करेगा तो हम मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली चारों तरीके से जवाब देना जानते हैं। ठीक है, जल्दी से दुबे साहब इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आने मेहमानों के पास जाऊंगा। अंजना जी, जो डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था, उस पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का एक डॉक्यूमेंट बनाए, जो हाल ही में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी है, उसी में उन्होंने सजेस्ट किया है, आज की परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल है संबित पात्रा जी, हर पल इंटरनेशनल रिलेशंस को अलग तरीके से डिफाइन करने की आवश्यकता है। हम सरकार के साथ हैं, मगर जो बात आप क्या कह रहे हैं वही तो प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहता है, यही बात सुनना चाहता था देश के प्रधानमंत्री जी से, देश की क्या सुनाइए। आज आपने कितना बड़ा झूठ बोला, जब आज तक ने आपको साइट पर ले जाकर सैटेलाइट पिक्चर दिखा दिए तब भी झूठ बोल रहे हैं कि आज तक बता रहा है कि चाइना की साइट पर वो डेवलपमेंट उन्होंने किया है। अरे नहीं भाई, पेट्रोलिंग प्वाइंट 14-15 पढ़िए एक बार आप, वो हमारी तो सुना पर, अभी हमारी अखंडता और अखंडता को उनकी आर्मी की जो बिल्डअप चाइनीज साइड पे थी, और हमारे साइड में तो हमारे साइड पे हम एक इंच भी जमीन लेने नहीं देंगे, हमने तो स्पष्ट किया है। सिर्फ मत कीजिए, आज आप बोलिए मुंह दिखाई, क्या राहुल गांधी सोच रखा है हमें खाली मुंह दिखाई करते रहेंगे। कोविड की क्राइसिस में एक संकल्प तो लीजिए कि चाइना से लगातार कवरेज आप देख रहे हैं, भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में जो तनाव और जो गतिरोध बना हुआ है, उस पर चीन के खिलाफ कड़े आर्थिक फैसले अब भारत लेगा, ऐसे साफ संकेत हैं। चीनी कंपनियों के प्रोजेक्ट पर पुनर्विचार संभव है। एक बहुत बड़ा जो मेरठ का प्रोजेक्ट है, दिल्ली मेरठ RRTS, इस प्रोजेक्ट पर दोबारा फैसला संभव है। पहले टेंडर चीनी कंपनी को मिला था, सरकार कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है कि क्या यह टेंडर रद्द किया जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लगातार कवरेज जारी है, हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।